आठवीं क्लास के अर्थशास्त्र कला और वाणिज्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बता दूं, कला अर्थशास्त्र कला और वाणिज्य कला और वाणिज्य आज अपन कक्षा 12वीं के कला और वाणिज्य क्लास में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और उनको हल करेंगे। परीक्षा टेस्ट की दृष्टि से ये तैयार किए गए हैं बच्चों, आप इनको एक बार रिवाइज करोगे। तो सबसे पहले है एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए किसी दूसरे वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ता है, तो इसे अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं। तो मान लीजिए एक वस्तु का उत्पादन करते हैं और अपन दूसरे वस्तु का क्या कर देते हैं, त्याग करना पड़े, तो इसे अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं। तो इसे क्या अर्थशास्त्र में अवसर लागत कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसका इसके ऑप्शंस है बेरोजगारी की समस्या, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार, समग्र मांग एवं जूट उद्योग। तो इसका सही आंसर है जूट उद्योग। फिर समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है। तो इसके ऑप्शंस है कीमत विश्लेषण, राष्ट्रीय आय विश्लेषण, कीमत एवं राष्ट्रीय आय विश्लेषण उपयुक्त में से सभी। तो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। क्या है, राष्ट्रीय आय विश्लेषण। तो चौथा है एक उत्पादन संभावना रेखा, एक उत्पादन संभावना रेखा को सूची बनाती है, किसका है। तो एफ एक्स टाइल्ड, दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्सन, तीसरा है सैमुएल्स और चौथा है गोल्डिंग। तो इसका सही आंसर है सैमुएल्सन है। एक उत्पादन संभावना वक्र रेखा की सूची को बनाती है यह रत्न सैमुएल्स का है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र संबंधी दो समष्टि अर्थशास्त्र है संबंधित क्या है, व्यक्तिगत मात्राएं हैं, सामूहिक मात्राएं हैं, व्यक्तिगत उत्पादन है या एक फर्म के उत्पादन है। तो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंध रखता है सामूहिक मात्राओं से। जो सामूहिक आपने समष्टि अपने एक समूह ने मतलब सामूहिक रूप से इसमें मतलब वस्तुओं सेवाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फिर छठवां है एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। तब एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के अध्ययन का क्षेत्र है समष्टि अर्थशास्त्र। बी है व्यष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन। तो आपको बता दूं एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु का अध्ययन का क्षेत्र है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो एक समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ छोटा, बराबर, बड़ा या इनमें से कोई भी। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है बराबर। इसका सही ऑप्शन डी। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो जो समष्टि अर्थशास्त्र में उसमें किस किस चीजों पर अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों पर अध्ययन किया जाता है या समग्र पर, या व्यक्तिगत इकाइयां तथा समग्र दोनों पर, या जरूरत अनुसरण समस्याओं पर। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है उसको किया जाता है समग्र पर। फिर वस्तु की हर अगली
पचास नियम का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, किसने किया? सर्वप्रथम उपयोगितावाद नियम का प्रतिपादन किया मार्शल ने, चैपमैन ने, गोल्डिंग ने या एच एच गोसेन ने? तो इसका सही ऑप्शन है एच एच गोसेन। तो उपयोगितावाद नियम का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया किसने किया? एच एच गोसेन ने किया। उपभोक्ता को एक से अधिक बढ़िया रोटी प्राप्त होती है, या कोई उपभोक्ता है उसको एक से बढ़िया रोटी प्राप्त होती है तो सीमांत उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उपभोक्ता को जब बढ़िया बढ़िया रोटी प्राप्त होगी तो आपको, अगर बढ़िया बढ़िया चीज प्राप्त होगी तो आपको क्या मिलेगा? घटे आपकी उपयोगिता कैसी होगी? मतलब उपभोक्ता क्या चाहेगा? उसकी उपयोगिता घटेगी, बढ़ेगी, कोई प्रभाव नहीं होगा इनमें से, क्या इनमें से कोई नहीं। तो जब उपभोक्ता को बढ़िया बढ़िया रोटी प्राप्त होगी तो उसकी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि उसकी मतलब कोई अच्छी वस्तु जब बार बार प्राप्त होती है तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सा उपयोगिता ह्रास नियम का वास्तविक अपवाद है? निम्न में से कौन सा उपयोगिता ह्रास नियम का वास्तविक अपवाद है? तो मादुक वस्तुओं का उपयोग, शक्ति संचय का प्रदर्शन, दुखमय स्थिति या अच्छी पुस्तक अच्छी कविता? तो इसका आंसर है अच्छी पुस्तक एवं अच्छी कविता। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? चाय या कॉफी, कोक या पेप्सी, चावल या गेहूं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि इनमें से पूरक वस्तुएं कौन सी हैं? इनमें से पूरक वस्तु कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। फिर है 14 नंबर का, तटस्थता वर्ग विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच तटस्थता वर्ग वस्तुओं में वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाता है। तो कीमत रेखा, तटस्थता वर्ग, तटस्थता चित्र, उपयुक्त सभी। तटस्थता वर्ग विश्लेषण है दो वस्तुओं के बीच के विनिमय का अनुपात, उससे कीमत भी है, तटस्थता वर्ग भी है और तटस्थता चित्र भी है, उसमें उपयुक्त सभी है। वह रेखा जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें एक उपभोक्ता द्वारा मौद्रिक आय तथा वस्तु में दी गई कीमत से खरीद सकता है वह कहलाती है बजट रेखा, समलागत रेखा, उत्पाद रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बजट रेखा। मांग में विस्तार का क्या कारण है? तो दी गई वस्तु की कीमत गिर जाना और स्थापन वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना और पूरक वस्तुओं की मांग गिर जाना। तो मांग के विस्तार का मुख्य कारण है दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। इसका मांग का विस्तार जब होगा तो दी हुई जो वस्तु होती है उसकी कीमत क्या हो जाती है? गिर जाती है। यदि किसी वस्तु का मांग वक्र एस अक्ष से समानांतर होता है तो वस्तु की मांग की लोच होती है तो क्या कैसी होती है? शून्य हो जाती है या इकाई से अधिक? या यदि किसी वस्तु की मांग एक्स अक्ष के समानांतर होती है तो उसकी लोच होगी उन्नत। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने से कार का मांग वक्र खिसक जाता है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो उसका मांग वक्र क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैसे? वह दाईं तरफ ऊपर की ओर, बाईं तरफ या नीचे की ओर? तो कैसा हो
तमाम वक्त पूर्णता लोजदार हो, पूर्णता बेरोजदार हो या कई लोग इकाई लोजदार हो और इनमें से कोई नहीं। तो जब मांग वक्त 37 में होता है तब पूर्णतः बेरोजगार मांग होती है। उत्पत्ति हास नियम, उत्पत्ति हास नियम है केवल कृषि में लागू होता है, बी केवल उद्योगों में लागू होता है, सी उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है या सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित होता है। तो इसका ये जो उत्पत्ति हास नियम है ये उत्पादन के सभी क्षेत्रों में क्या होता है, लागू होता है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध होता है, तो जो पैमाने के प्रतिफल होते हैं उनका संबंध कैसा होता है, अल्पकालीन दीर्घकालीन दोनों, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो अल्पकालीन प्रतिफल का संबंध होता है दीर्घकालीन, ये लंबे समय का चलता है। प्रमुख लागत का दूसरा नाम क्या है, जो 22 नंबर पर है आपका प्रश्न कि प्रमुख लागत का दूसरा नाम क्या है, तो परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत, पूरक लागत या वास्तविक लागत। तो इसका सही ऑप्शन है परिवर्तनशील लागत। तो प्रमुख लागत का दूसरा नाम है परिवर्तनशील लागत। फिर है कौन सी लागत शून्य, तो कौन सी लागत शून्य होती है, कौन सी लागत शून्य होती है, तो उसमें सीमांत लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत या अवसर लागत। तो जो स्थिर लागत होती है वो कैसी होती है, शून्य होती है। फिर स्थिर लागत है, स्थिर लागत क्या है, भूमि, कच्चा माल, श्रम या शक्ति। तो स्थिर लागत क्या होती है, भूमि। आप जो भूमि है वह कैसी लागत है, स्थिर लागत है, क्योंकि भूमि एक जगह स्थिर होती है। उत्पादन फलन का संबंध निम्नलिखित में से किसका है, जो उत्पादन फलन है उसका दो संबंध है, व्यवस्था है कीमत से है, उत्पत्ति साधनों से है, उत्पादन से है या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन संबंध का निम्नलिखित से है, उत्पत्ति के साधनों से है। फिर है निम्नलिखित पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, जो पूर्ति का नियम है, जो पूर्ति होती है वह किससे जुड़ी होती है, किसी समय अवधि से, कीमत से, आ तथा बा दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो जो पूर्ति होती है वह आ और वा जब समय की अवधि से भी जुड़ी होती है और कीमत से भी जुड़ी होती है, इसका सही ऑप्शन होगा आ तथा बा दोनों से जो पूर्ति है वह क्या होती है, जुड़ी होती है। फिर है कोई उत्पादक, कोई उत्पादक या फर्म भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चे माल आदि साधनों का प्रयोग करते समय अपना उत्पादन करती है तो यह प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब कोई श्रमिक मतलब कोई जो उत्पादक होता है, तो फर्म कच्चे माल, भूमि आदि सभी साधनों का जब प्रयोग करता है तो उसका अपना उत्पादन करती है तो यह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, वह होती है उत्पादन प्रतिक्रिया, निर्गत प्रतिक्रिया या उत्पादन या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई फर्म या संस्था क्या होती है, उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। मार्शल के अनुसार वस्तु के कीमत निर्धारण होता है, वो तो मार्शल के अनुसार वस्तु का कीमत निर्धारण होता है। मार्शल के अनुसार वस्तु के कीमत निर्धारण में केवल मांग पक्ष आवश्यक है, केवल पूर्ति पक्ष आवश्यक है, दोनों आवश्यक है या इनमें से कोई नहीं। तो मार्शल के अनुसार वस्तु की कीमत में केवल मांग पक्ष आवश्यक है और केवल पूर्ति पक्ष आवश्यक है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा, इनमें दोनों पक्ष की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आपके लिए आज अध्याय 1 और 2 से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कराया गया, आप इनको अच्छे से
कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।